विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो घूमने आए विदेशी युगल ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज से शादी की। शादी में 7 बच्चों को लेकर वर वधु काफी रोमांचित नजर आए। दोनों भारतीय विवाह परंपराओं से बहुत खुश है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही विदेशियों को प्रभावित करती नजर आई है। ऐसा ही मामला खजुराहो में देखने को मिला, जहां पर खजुराहो घूमने आए विदेशी पर्यटकों ने बगराजन माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। इटली के युवक युवतियों ने भारतीय रीति रिवाज से विवाह की रस्मों के साथ शादी की। शादी नगर के पंडित अशोक महाराज ने मंदिर में करवाई। विवाह करने वाले युगलों ने बताया कि वे पहले से रिलेशनशिप में थे, लेकिन विवाह नहीं हुआ था। खजुराहो के प्रसिद्ध इटालियन गाइड प्रियंका अंशु गौतम ने बताया कि ये युगल हमारे दोस्त हैं, कई बार इटली में मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने मुझसे भारतीय रीति रिवाज से विवाह करवाने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने इनके विवाह का प्रबंधन किया। प्रियंक गौतम ने 7 बच्चों को इटालियन भाषा में समझाया। And I'm from Italy. I love India, and we married with Indian culture, and we are very happy. I'm Enzo. I'm from Italy. I love Indian culture, and I'm very happy with my wife. मैं गाइडिंग का काम भी करता हूँ, होटेलियर भी हूँ, और आप लोग मेरे मित्र हैं पिछले 12-14 सालों से। तो ये लोग भारतीय कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे। ये लोग हमसे बोले कि हम हिंदुस्तान आके शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए, मैं आपकी भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से शादी करवा दूँगा। क्योंकि खजुराहो में ये 3-4 दिन थे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास समय भी था। तो मैंने पंडित जी लोगों से बात करके, हमारे यहाँ पर बगराजन माता का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, वहाँ पर आके इनकी आज शादी करवाई, और ये लोग बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं। इटली से ये विदेशी पर्यटक आए थे, बोले हमें भारतीय संस्कृति की रीति रिवाज से विवाह कार्य संपन्न करवाना है। तो हमने बगराजन माता के स्थान पर इनका रीति रिवाज से 7 परिक्रमा लगवा के पति पत्नी के 7 वचन कैसे निभाए जाते हैं, और ये शादी विवाह देख करके वो बहुत प्रसन्न हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।